हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएचएसई साइंस क्लासेस। आज आम डिस्कशन करवा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जोटा कि हूँ डीएनए पैकेजिंग पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ओके, तो लास्ट क्लास आम कौन डिस्कशन करते फर्स्ट फर्स्ट पार्ट्रे आम डिस्कशन कले ना अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो फर्स्ट आम देखिले ना डीएनए एंड तार स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट पार्ट्रे आम डिस्कशन कले आरएनए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, देन तार फंक्शंस है ना। तो आज आम देखा, देखो डीएनए होची कौन ना गोटे न्यूक्लियोटाइड्स रु तयारी हा ना नहीं, जहाँ को हमें न्यूक्लिक एसिड कहे, तो न्यूक्लियोटाइड्स रु तयारी होची डीएनए। एंड ये जो डीएनए रो लेंथ होची कते, जो ह्यूमन बेंग से देखिबा दैट इज 2.2 मीटर। सेल सेल भितर डीएनए अच्छी हा ना नहीं, डीएनए जिंती हमें देखिले डीएनए काहे तयारी होची, डीएनए तयारी होची काहे ना आमर न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स तैयारी है। न्यूक्लियोटाइड्स कंपोनेंट्स हमें डिस्कशन करते, न्यूक्लियोटाइड्स कंपोनेंट कौन कौन थी मन पका, न्यूक्लियोटाइड्स कंपोनेंट थी गोटे हूँ नाइट्रोजिनस बेस, आउ गोटे सुगर थी, देन थी कौन फॉस्फेट ग्रुप गोटे अटैच होता है ना। तो यही जो कंपोनेंट्स तरह आम देखिले ये सब न्यूक्लियोटाइड्स तैयारी कला, न्यूक्लियोटाइड्स गुड़ा मिसिकी पुणी तैयारी कले आमर डीएनए। इन केस ऑफ माने हमर डीएनए सुगर ता थिला डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए थिला राइबोज सुगर हाँ कि नहीं, एंड डिफरेंट पाइरिन्स प्यूरिमिडाइन्स। जदि कहार किछ मने नै बा कोठे किछ डाउट अछि देन डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, फर्स्ट जाय के ताको देखि नियो देन एटा आसीबो बुझिबो। ओके, तो डीएनए होछि कोन हमर ना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जार काइंड तैयारी है से न्यूक्लियोटाइड्स से तैयारी है। सुगर हूँ डीऑक्सीराइबोज, एंड इम्पोर्टेंट थिंग जो मन रखी जो आमको एसेंशियल से डीएनए रे गोटे फॉस्फेट ग्रुप थाए जे कि नेगेटिव चार्ज दिए डीएनए को। ओके, तो डीएनए रे कौन थाए गोटे फॉस्फेट ग्रुप कंटेन है, फॉस्फेट ग्रुप टा प्रेजेंट अच्छी जो बोले सी आराम से पैकेजिंग हम इनसाइड द न्यूक्लियस। तार लेंथ केते कहली ह्यूमन बीइंग रे 2.2 मीटर। जी देखो जो सेल रो साइज देखिबा लिविंग लिविंग बीइंग गुडा काहे तैयारी होती सेल रे तैयारी होती, तो ए जो सेल भितरे न्यूक्लियस टा रहइबो डीएनए टा रहइबो, सेल भितरे न्यूक्लियस थाए न्यूक्लियस भितरे अछि डीएनए। एंड डीएनए आउ कोठी मधे देखा जाए यूकेरियोट्स रे माइटोकांड्रिया रे मधे देखा जाए हन ने, एंड हमरो क्लोरोप्लास्ट रे मधे थाए डीएनए। तो ए जो डीएनए कथा मुझे कहूँ न्यूक्लियर डीएनए कथा कहूँ, तो ये जो न्यूक्लियर डीएनए किमी से कंपैक्टली अरेंज न्यूक्लियस भितर, एंड जान सेल रो डायमीटर के पाखापाखि सम माइक्रोमीटर रे मेजर करा जाए। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स 1 to 0.5 माइक्रोमीटर, जब आम यूकेरियोट्स देखा 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो ये छोट सेल भितर 2.2 मीटर डीएनए फिट हम, दैट मीन्स किसी तार मानने किसी पर्टिकुलर वे रे, जमी आम जाने जो पैकिंग करार अच्छे सामान गुड़ाक ठीक से जब आम न रखा अल्प जिनस बैगटा भर्ती जाए, किंतु ये से प्रिसाइजली पैकिंग हो 2.2 मीटर डीएनए टा आराम से फिट हो जाए विथ इन सम माइक्रोन, जार कि माइक्रोमीटर रे अच्छी जी ता भितर ये पूरा फिट होकर रही जाए। ओके, तो देखो आज आम कौन पढ़वा ना पैकेजिंग ऑफ डीएनए बा डीएनए पैकेजिंग। तो ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल को प्रोटीन हेल्प करुचे देखा, देन तुम किमी को मॉडलटा न्यूक्लियोसोम मॉडलटा को डिस्कशन करवा इन इलाबोरेट। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यूस आसो यू जोटा को कि ध्यान देव एंड नोट कर नब, यार नोट्स बिल्कुल वरी हुए चैप्टर कम्प्लीट होगा पूरा चैप्टर नोटा मुझे आम फेसबुक ग्रुप रे भी देदेवि, देन आम डिस्क्रिप्शन रे भी लिंक देदेवि यार लास्ट पार्ट्रे जितेबले मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सरीज तार से लास्ट पार्ट रे डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देवि, से आराम से नोट डाउनलोड करहब। ओके, तो एबेपाई जस्ट कन्सेप्ट बुझ एंड निजर गोटे ओन नोट प्रिपेयर कर, जो आराम से की नोट भाया मुझे बुझेदेवि जो जो एमसीक्यू कहीं हाइलाइट करी ताको मन रखा चेस्टा कर। ओके, सो देखो डीएनए पैकेजिंग जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कला किए ना डीएनए थिबा फॉस्फेट ग्रुप, एंड होमवर्क हूँ क्वेश्चन हूँ से फॉस्फेट ग्रुप टा सुगर को कार्बन रे लगी था मतलब कमेंट बॉक्स रे जनइबो। ओके, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप टा डीएनए रे अच्छे सी कौन करेबो ना गोटे प्रोटीन अच्छे जो प्रोटीन साहाज्य रे सी बाइंडिंग हबो। तो देखो डीएनए टा प्रोटीन सहित कंबाइन हबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड रे प्रोटीन सहित कंबाइन हला ताको हमें कहले डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स।
कौन कहले आम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो कौ प्रोटीन से बाइंड हे डीएनए कौन सब प्रोटीन सहित बाइंड हो नो कौ प्रोटीन सहित बाइंड हे हिस्टोन प्रोटीन सहित कौन कहली जो प्रोटीन सहित बाइंड हे से प्रोटीन रहा हूँ हिस्टोन प्रोटीन। सो एबे तुम मान डाउट आसते कौन स्टूडेंट्स ना हिस्टोन प्रोटीन ही कहीं जहाँ डीएनए बाइंड है देखो हिस्टोन प्रोटीन रो किसी स्पेशल क्वालिटी थी जो डीएनए तो बाइंड हो पारा द फर्स्ट थिंग कौन होता ना हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड मन रख पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हूँ ये जो हिस्टोन प्रोटीन गुड़ा अच्छा से मैंने लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स मैंने यार मॉलिकुलर वेट अधिक ना था बहुत कम था सो ये कौन ना लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स हिस्टोन कौन हिस्टोन हूँ गोटे लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन जो मैंने कि पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिकुलर वेट जानी थी ना केमिस्ट्री तुम पढ़ थो मॉलिकुलर वेट जमीक गोटे जेकोसी गोटे कंपाउंड रो जो आइटम से या सेगुड़ा सब मिक्स करदे मिसेदेला मॉलिकुलर वेट तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन गुड़ा कौन लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स तो ये गुड़ाक पॉजिटिवली चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज पर कौन से गोटे ग्रुप एटमिक ग्रुप किसी गोटे रेस्पॉन्सिबल थी सो आम कौन जाने प्रोटीन गुड़ा कहीं या जेकोसी जी आम देखा कार्बोहाइड्रेट हो प्रोटीन हो फैट्स हो जी मध्य गोटे तार मोनोमर्स था ना मोनोमर्स तो पॉलीमरटा तैयार हे सेमती ये जो प्रोटीन गुड़ा तैयारी ये जो प्रोटीन रो मोनोमर्स किए हो क्या प्रोटीन तैयारी हुए दैट इज एमिनो एसिड हाँ ना तो एमिनो एसिड गुड़ा धीरे धीरे मिसिके कौन तैयारी करती पॉलीपेप्टाइड चेन तैयारी करती से पॉलीपेप्टाइड चेन गुड़ा फिर कंबाइन नहीं कि प्रोटीन तैयारी करती हाँ ना तो ये जो एमिनो एसिड दुईटा एमिनो एसिड ना मन रख बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे गोटे हूँ लाइसिन आ गोटे हूँ आर्जिनाइन माने एटा को पूरा अंडरलाइन कर दूची बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे देखो ना आसते लास्ट इयर्स रे क्वेश्चन ना नेम द एमिनो एसिड दैट इज प्रेजेंट इन हायर नंबर बा हायर अमाउंट इन हिस्टोन प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन रे क्यों एमिनो एसिड टा अधिक परिमाण रे थाए कौन कौन दुईटा एमिनो एसिड ये दुईटा जाक एमिनो एसिड होचंदी पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड जहाँ पई हिस्टोन प्रोटीन को ओवरऑली पॉजिटिवली चार्ज गोटे गेन हुए एंड से इजिली बाइंड करि पारे विथ डीएनए आम जानी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर तो किसी इनस्टेबिलिटी क्वेश्चन ना आराम से पॉजिटिवली चार्ज अच्छे हिस्टोन प्रोटीन डीएनए अच्छे नेगेटिवली चार्ज तो आराम से रैप कर जाती तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन अच्छी ये फिर कमी कंबाइन हम विथ डीएनए नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ना तो देख हिस्टोन प्रोटीन अच्छा आमर विभिन्न प्रकार हिस्टोन प्रोटीन अच्छा तो देख कौन कौन से गुड़ा ना हिस्टोन प्रोटीन हूँ एच वन एच टू एच टू बी एच थ्री एंड एच फोर पांच प्रकार अच्छा आमर हिस्टोन प्रोटीन तो या भितर एच वन टा पार्टिसिपेट कैनी आम पैकेजिंग रे डायरेक्टली बट से हेल्प करे कमी हेल्प करे देखो ये जो एच टू एच टू बी एच थ्री एंड एच फोर ये चार्टा इच्र दुटा मलिकुल कौन कहली इच प्रोटीन इच ये जो चारिटा हिस्टोन प्रोटीन कहली गोटे हूँ एच टू एच टू बी एच थ्री एंड एच फोर जनकर दुई दुईटा मॉलिक्यूल मिसिके से माने तैयारी करिवे कौन हिस्टोन ऑक्टामर कौन तैयारी करिवे हिस्टोन ऑक्टामर क्लियर एच टू ए दुईटा एच टू बी दुईटा एच सी दुईटा एच फोर दुईटा से माने तैयारी करले कौन हिस्टोन ऑक्टामर ये सब हिस्टोन प्रोटीन बोली आम जानचे तेणु हिस्टोन बुझे किसी असुविधा ना ऑक्टामर कहीं कहली ना आठटा प्रोटीन हूँ कि देख एच टू एच टू बी एच थ्री एच फोर चारिटा आउ चारिटा एमती ही एच टू ए दुटा एच टू बी दुटा एच थ्री दुटा एच फोर दुटा तो केतला टोटल आठटा होना तो देख टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू ए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू बी
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच थ्री एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एच फोर में से की तैयारी कले कौन हिस्टोन ऑक्टामर। तो ए जो हिस्टोन ऑक्टामर तैयारी है ता चारिटे रैप कर किए डीएनए। ओके तो देखो सपोज एटा हेगला एच वन ए एच टू बी एच थ्री एच फोर तो या चारिटे एवं किए रैप कर। ओके देखो ए जो डीएनए एंट्री गला ए पॉइंट रे एंड एटी बाहरी गला ये वन टर्न कंप्लीट करुचे आ गोटे टर्न रो हाफ कंप्लीट करुचे सेकंड टर्न टा कंप्लीट होने जस्ट गोटे टर्न कंप्लीट करिवो देन आ गोटे टर्न रो हाफ रो से बाहरी जीवो कोड रो बाहरी जीवो हिस्टोन ऑक्टामर रो बाहरी जीवो। तो ए जो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट अछि ए पाखरे काम करे हमरो एच1 प्रोटीन। बुझेला तो एच वन प्रोटीन रो काम होची कौन ना जिते बड़े से फर्दर पैकेजिंग हम आहुरी कंडेन्सड हम से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर किए एच वन प्रोटीन। ओके तो डायरेक्टली ना भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करुचे ना से मैंने जदि भी से हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्मेशन करूनी से तो हेल्प करुचे कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करुचे ना ना। तो देख ये जो एच वन प्रोटीन तार काम बुझेला। सो ना देख कौन ना ये जो स्ट्रक्चर टा तैयारी हैला डीएनए रैप हैला अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर आपको हमें कौन कहले ना न्यूक्लियोसोम। कौन कहले हमें आपको न्यूक्लियोसोम। क्लियर। सो ए न्यूक्लियोसोम होचे बेसिक यूनिट कहार क्रोमोसोम रो बेसिक यूनिट बा हमें कहो क्रोमाटिन फाइबर जो हमें देखुचे तार बेसिक यूनिट जा होचन कि ना ए न्यूक्लियोसोम। तो एमती न्यूक्लियोसोम बहुत सारा फॉर्मेशन हबे हाँ ना नहीं हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टामर तैयारी करेंगे चारे डीएनए टा पैकेज है। तो एमती न्यूक्लियोसोम को न्यूक्लियोसोम सहित कनेक्ट करवा कम कह न्यूक्लियोसोम को न्यूक्लियोसोम। देखो ये गोटे सपोज मु गोटे डायग्राम करा है गोटे आम न्यूक्लियोसोम सपोज यहाँ गोटे न्यूक्लियोसोम यहाँ गोटे न्यूक्लियोसोम। तो यहीजा को आम डीएनए टा आसला हाँ ना नहीं। तो ए जो लिंकिंग टा तैयारी हला एटा एटा कौन डीएनए डीएनए तो रैप होचे ना। तो ए जो डीएनए टा जे ए दीटा को जॉइन कला ए पोर्शन को हमें कहू लिंकर डीएनए ए पोर्शन टा बुझेला दुईटा न्यूक्लियोसोम को मिसेला के लिंकर डीएनए। ओके तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन टा को हमें कौन कहू लिंकर हिस्टोन बोली मध्य कहू लिंकर प्रोटीन बोली मध्य कहू ताको हमें। ओके तो देखो ये न्यूक्लियोसोम प्लस ये जो लिंकर डीएनए ये दुटा को हमें कौन कहू क्रोमाटोसोम। ओके तो ये जो न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए हमें कहे कौन क्रोमाटोसोम। तो देखो क्रोमाटोसोम फॉर्मेशन है तो ये क्रोमाटिन फाइबर कौन तो ये जो न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसोम देखुचे न्यूक्लियोसोम गुड़ा कौन करेंगे एवं से माने पैकिंग हमारा स्टार्ट हे। तो ये जो हिस्टोन यहाँ मुझे खाली सपोज मैंने इमाजिन करने कही एक्चुअली जो देखा से गुड़ाक एमती थी देखो एटा जदि एच वन ए एच टू बी एच थ्री एच फोर हुए सेमती आउ गोटे थी हाँ ना नहीं एमती मैंने कनेक्टेड होते तो यहाँ हो गला आम कौन लिंकर डीएनए हो गला ना तो यार दुईटा मॉलिक्यूल मैंने खाली मुझे गोटे वन साइड देखा ताको। ओके तो जितेबले कौन हम ये लिंकर डीएनए न्यूक्लियोसोम टा मिसिकले हमें ता कहले क्रोमाटोसोम। तो ये माने तापर नेक्स्ट कौन करिवे सोलेनॉइड फॉर्म तैयारी करिवे अर्थ कौन ना ये माने पैकेजिंग है कि ये माने कौन करिवे जणको जणे रैप है कि ये माने
ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମ ଦୁଇଟା ରାପ୍ କରିବେ ଏମିତି ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ କରିକି ସେମାନେ କଏଲିଂ ହେଇକି ତିଆରି କରିବେ ସଲିନଏଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତ ଏବେ ମନେ ରଖିବା କ'ଣ ଦେଖ ନା କ୍ରୋମୋସୋମ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ ହୁଏ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସେ କେମିତି ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମଟା କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କନଭର୍ଟ ହୁଏ ଟୁ ଦ କ୍ରୋମୋସୋମ ସେ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଓକେ ସୋ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମଟା ଥିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମଟା ଯାଇ କ'ଣ କରିବ ନା ସଲିନଏଡ୍ ଫର୍ମକୁ ଯିବ ସଲିନଏଡ୍ ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ କଥା ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ତ ଦେଖ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମଟା କ'ଣ ହବ ନା ସଲିନଏଡ୍ ଫର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ ହବ। ତ ସଲିନଏଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସଲିନଏଡ୍ ମାନେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ସେପ୍କୁ ଆଟେନ୍ କରିବେ। ତ ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମ ଯାକ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ ଇନ୍ଟୁ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଫର୍ମ ତିନିଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମ ସେମାନେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଫର୍ମରେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ। ଦେନ୍ ଏମାନେ ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଫାଇବର ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇଟଲି ପ୍ୟାକ୍ ହେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଲିନଏଡ୍ ଯାକ ୱାନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ କରିକି ସେ ତିଆରି କରିବ କ'ଣ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଫାଇବର। ଦେନ୍ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଫାଇବର ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇକି ସେ ତିଆରି କରିବ କ'ଣ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମନେ ଅଛି ମେଟାଫେଜିକ କ୍ରୋମୋଜୋମ ମେଟାଫେଜରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ କ୍ରୋମୋଜୋମକୁ ପ୍ରପର ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁ ହଁ ନା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଆମର କ୍ରୋମାଟିନ ଯେଉଁ କ୍ରୋମାଟିନ ଫାଇବର ଯାକ ଆମର କ୍ଲିଅରଲି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଯାଏ ନୋଟ୍ କର ଏଇଟା ନା ଆମର ଇଣ୍ଟରଫେଜରେ ସେଲ୍ ସାଇକଲର ଇଣ୍ଟରଫେଜରେ ଆମକୁ କ୍ରୋମାଟିନ ଫାଇବରଟା କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି କ୍ରୋମୋସୋମକୁ ଆମର ଷ୍ଟଡି କରାଯାଉଛି ତ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ମେଟାଫେଜ। ଓକେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋମୋସୋମଟା ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼ନାଲି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ କ୍ରୋମାଟିଡ୍ସ। ଓକେ ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ସୋ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମଟା ଧୀରେ କେମିତି ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ତିଆରି ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ କେମିତି ହେବ ରିକଲ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଚାର୍ଜ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପଜିଟିଭଲି ଚାର୍ଜ। ତ ପଜିଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା କାହା ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ ହେବ ନା ଡିଏନ୍ଏର ଯେଉଁ ଫସ୍ଫେଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ଡିଏନ୍ଏର ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ଏର ଆମେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି କାହିଁରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡ କରିବ କି ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କେଉଁଠି ତାର ମାଇନର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏଇଟା। ତ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡିଏନ୍ଏର ଆମର ଯେଉଁ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ବାଇଣ୍ଡ କରିବ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ କେଉଁ ବଣ୍ଡରେ ବଣ୍ଡ ହେବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବଣ୍ଡରେ ସେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ଅକ୍ଟାମର ତିଆରି କରିଥିଲେ ତା ଚାରିଆଡ଼େ ରାପ୍ କରିବ ଡିଏନ୍ଏ ତାକୁ କହିଲେ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମଟା ତିଆରି ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସୋମ ଜଏନ୍ କରିକି ଲିଙ୍କର ଡିଏନ୍ଏ ଏଚ୍ ୱାନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏଚ୍ ୱାନ୍ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଆମର ହିଷ୍ଟୋନ୍ କୋର୍ର ପାର୍ଟ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଯଦି ମାନେ ସିମ୍ପଲି ଯଦି କହିବି ଆମେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ସୂତାରେ ଯେଉଁ ସିଲେଇ ଆମେ କରୁ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲଟାରେ ରାପ୍ ହେଇକି ଥାଏ ସୂତା। ତ ସେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡଲ ଯାହା ଆରାଉଣ୍ଡରେ ସୂତାରେ ରାପ୍ ହେଇଥାଏ ସେଟା ତାର କୋର୍ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ସୂତାର ବଣ୍ଡଲଟା ୟା ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ଥ୍ରେଡ୍ଟା ରାପ୍ ହେଇଥାଏ ନା ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋର୍ ଯାହା ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇ ସୂତାଟା ରାପ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ଟା ତିଆରି କରୁଛି ସିଏ ତିଆରି କରୁଛି ହିଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଚ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏ କୋର୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏଚ୍ ଟୁ ଏ ଏଚ୍ ଟୁ ବି ଏଚ୍ ଥ୍ରୀ ଏଚ୍ ଫୋର୍। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ୱେଦର ଏଚ୍ ୱାନ୍ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ ଦ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟୋନ୍ କୋର୍ ଏଚ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ହିଷ୍ଟୋନ୍ କୋର୍ରେ ଅଛି କି ବା ହିଷ୍ଟୋନ୍ କୋର୍ ଫର୍ମେସନ୍ରେ ଏଚ୍ ୱାନ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି କି ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନୋ ଏଚ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉନି ଓନ୍ଲି ଏଚ୍ ଟୁ ଏ କେଉଁଟା କିଏ ତିଆରି କଲା ଏଚ୍ ଟୁ ଏ ଏଚ୍ ଟୁ ବି ଏଚ୍ ଥ୍ରୀ ଆଉ ଏଚ୍ ଫୋର୍ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମଲିକୁଲ ଟୋଟାଲ ହିଷ୍ଟୋନ୍ ଅକ୍ଟାମର ତିଆରି କଲେ ଯାହା ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ଡିଏନ୍ଏଟା ରାପ୍ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ଏବେ କ୍ଲିଅର। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଫାଇବର ବା କ୍ରୋମାଟିନ୍ କ୍ରୋମୋସୋମ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଡିଏନ୍ଏ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଇକି ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା ଏବେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ଟା ସେଇ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଯାକ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେନ୍ କରିବା ୱିଥ୍ ଆସିଟୋକାରାମାଇନ୍ ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା କିଛି ରିଜନ୍ ତାର ଡେନ୍ସଲି ଷ୍ଟେନ୍ ହେବ ଆଉ କିଛି ରିଜନ୍ ତାର ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ରିଜନ୍ ଆମେ ପାଇବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେଟେରୋକ୍ରୋମାଟିନ୍। ୟୁ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ହେଟ୍ରୋକ୍ରୋମାଟିନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା ୟୁ କ୍ରୋମାଟିନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେନ୍ ଦେବ ଆମେ ଆସିଟୋକାରାମାଇନ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ତ
तो यू क्रोमाटिन टा आमर लाइट स्टेन करिवो, ये डार्क स्टेन करिवो, बुझेला? फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ओके, देन कौन देखो ना, ये जो यू क्रोमाटिन टा ये लूजली कंडेंस्ड ही थी वो, बट ये टाइटली पैक्ड ही थी वो, टाइटली पैक्ड। बुझेला? एंड ये इनएक्टिव है कि था है? माने कौन पे इनएक्टिव कहले, नेदर ट्रांसक्रिप्शन रे पार्टिसिपेट करबो ना, क्रॉसिंग ओवर होबो ना, किछ होबो हले, किंतु यू क्रोमाटिन रीजन टा एक्टिव रहे। बुझेला? यू क्रोमाटिन और हेटरोक्रोमाटिन डिफरेंस। तो देखो आमे देखले हिस्टोन प्रोटीन रो काम कोन, क्रोमोसोम रे नॉन हिस्टोन प्रोटीन मध्य थाए जे ताको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। मन रखो हिस्टोन प्रोटीन भलिया, माने हिस्टोन प्रोटीन भलिया तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जको जो माने के नेगेटिवली चार्ज एंड माने एसिडिक, ए माने कोन करबे ना, तर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रे हेल्प करबे। कहा को डीएनए जो बेंडिंग होबो ए जको सब केमते तयार होबो, सोलेनोइड रो क्रोमाटिन फाइबर केमते तयार होबो, जते बेले गोटे आ गोटे सोलेनोइड उपर ओवरलैप करे कि टाइटली पैकिंग हेबे, कंडेंस हेबे, कंडेंस हेला परे आमे कोन करबा, क्रोमाटिन फाइबर ता तयार होबो। तो ए जो कंडेंसिंग होबो से सब रे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन जको किछि थाए जो माने कि ताकु एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनथि। ओके, सो आ गोटे जिनस कौन ना, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स बेसिक डिफरेंस कौन, यूकैरियोटिक डीएनए एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए रे इत्ते सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुए, बट प्रोकैरियोटिक डीएनए रे कौन न थाए, आम जानी ना से मानकर प्रॉपर न्यूक्लियस न थाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस न थाए। तो कही पार प्रोकैरियोट्स रे कौन थाए न्यूक्लियस ना नहीं, जदि तांकर जो जेनेटिक मटेरियल टा साइटोप्लाज्म रे ही थाए एंड से कौन करे किसी हिस्टोन प्रोटीन सहित से एसोसिएट है कि से कौन तैयारी करता है ना, न्यूक्लियोइड तैयारी करता है, कौन तैयारी करता है, न्यूक्लियोइड तैयारी करता है। ओके, तो ये जो प्रोटीन जहाँ मैं आउ कौन डिफरेंस ना, इन केस ऑफ यूकैरियोट डीएनए टा होचे डबल स्टैंडर्ड, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट डीएनए होचे कौन सिंगल स्टैंडर्ड। तो नेक्स्ट क्लास रे हमें कौन देखिबा, ये जो डीएनए हमें पढ़ी लिया जी यूकैरियोटिक बहु कि प्रोकैरियोट से हो रेप्लिकेशन टा केमिति होचे है ना। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कौन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन डीएनए रे केमती होची देखिबा, प्रोकैरियोट्स रे कौन कौन एंजाइम्स इन्वॉल्व होचंती एंड यूकैरियोट्स रे कौन कौन एंजाइम इन्वॉल्व होचंती एंड प्रोसेस रे केमती होची। ओके, एंड थैंक यू व्यूअर्स, आमर चैनल को सपोर्ट करथिबारु 5K सब्सक्राइबर्स हो जाइछंती एंड ए सब होईची बिकॉज़ ऑफ तुम मानंग पाई एंड सिमती ही चैनल को माने लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब मध्य करो, जिते पारिबो शेयर करो, तुम फ्रेंड्स मानक जनाओ कि गोटे अपॉर्चुनिटी अच्छी सीएचएसई साइंस क्लासेस जोटी ओडिया मीडियम स्टूडेंट्स सीएचएसई स्टूडेंट्स माने आराम से सब माने सब्जेक्ट पाइबे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आईटी बायोलॉजी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, कौन से पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से माने सब भल भल क्लासेस अच्छी जो माने कि आराम से पढ़ी पारे। ओके, थैंक यू एंड नोट्स मुदेवी चैप्टर एंडिंग रे जमी कही एंड नेक्स्ट टॉपिक रे हमें जीबा कौन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। थैंक यू।